बिग बॉस के 18 के अंदर कल संडे के वार के ऊपर रवि किशन एंट्री लेने वाले हैं, लेकिन रवि किशन की एंट्री से घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने विवियन डेसेना एंड रजत दलाल, इन दोनों के बीच में काफ़ी घमासान फाइट होने वाली है और रजत दलाल अपने बैक टू एंग्री मोड के अंदर आने वाले हैं। जी हाँ, उस मोड के अंदर वो भैया काफ़ी बुरी तरीके से धमकियाँ देते हैं और तलवे चटवाने की बातें हो जाती हैं, औकात दिखाने की हैसियत तक बातें पहुँच जाती हैं और रजत दलाल अपना आपा खो देते हैं और रवि किशन के सामने ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं जिन्हें सुनकर आप काफ़ी ज़्यादा शोक हो जाएंगे। क्या कुछ बातें कहीं आपको बताएंगे इस वीडियो में, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे कि रवि किशन के सामने भैया जो धमकियाँ दी हैं उससे विवियन डेसेना काफ़ी ज़्यादा मतलब कि हिल गए हैं कि ये क्या हो रहा है भैया, मैंने गलत पंगा ले लिया है या मतलब टेंशन में आ गए हैं थोड़ी बहुत। आखिर क्यों? क्योंकि रजत दलाल ने जो बोला है भैया, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए एंड वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें। तो दोस्तों घर के अंदर एंट्री होती है रवि किशन की एंड उसके ऊपर आपको प्रॉपर वीडियो बताएंगे किस वजह से वो आएंगे। एंड उसके अलावा रवि किशन जब पूछते हैं रजत दलाल से कि भैया आप ऐसे बाहर की धमकियाँ क्यों देते हो, एंड इसके ऊपर विवियन अपनी टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि भैया जो पावरफुल लोग होते हैं सर, मुझे लगता है वो ऐसी बातें नहीं करते हैं, एंड पावरफुल लोग हैं बातें ना करके वो सीधा कर देते हैं, अगर कुछ बोलते हैं तो वो बोलने से पहले ही कर देते हैं, इतनी बड़बड़ नहीं करते। उसके अलावा ये भी कहते हैं कि उम्र ही क्या है सर अभी इनकी, अभी इन्होंने देखा ही क्या है, अभी इनको समय लगेगा, चीज़ें देखेंगे सीखेंगे फिर ही समझेंगे, ऐसे इनको समझ नहीं आएगा। जिसके बाद रजत दलाल अपने एंग्री मोड के अंदर आ जाते हैं और क्या क्या बातें बोलते हैं, और ये बात काफ़ी ख़तरनाक मेरे को लगी क्योंकि यार गुस्से में काफ़ी अच्छी बातें बोलते हैं रजत। एंड रजत दलाल कहते हैं कि मैंने विवियन तेरे जैसे तैसे जो भी है तू उसके जैसों के मैंने हाथ जोड़ाए हैं, कान पकड़ाए हैं, मुर्गा बनाकर रोड पे भी चलवाए हैं मैंने, और उम्र की बात मत कर, हैसियत और औकात भी नहीं है तेरी मेरे रिलेटेड उम्र के। जी हाँ, उसके अलावा जिसके ऊपर रवि किशन कहते हैं रविन अगर विवियन आपको गलत लगते हैं रजत दलाल तो आप यही बता दो जो उनको बताना है, यही कर दो जो कार्रवाई करनी है। जिसके बाद रजत दलाल कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट हटवा दो सर मेरा, मैं भी देखना है इनके तलवे चटवा के दिखवा दूंगा आपको, और बिना हाथ उठाए इनसे भैया सब कुछ हक जो भी मेरे को बुलवाना है मैं इनसे बुलवा के दिखा दूंगा, आप एक बार कॉन्ट्रैक्ट हटवा दो, जो भी मतलब कि मेरे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कोई, एंड मैं इनसे जो मैं चाहता हूँ जो आप चाह रहे हो अभी वो भी मैं इनसे करवा के दिखवा दूंगा। या जिसके बाद भैया इनके बीच में बात होती है कि मैं पहली बार आया हूँ घर के अंदर, और रवि किशन भी कहते हैं मैं भी पहली बार आया था क्योंकि रवि किशन बिग बॉस का हिस्सा रह चुके हैं, एंड रवि किशन की बात सुनकर कि सब पहली बार ही आती है, अविनाश और रैलीस ईशा ये सब हंसने लगते हैं। जिसके बाद रजत लाल और भड़क जाते हैं और घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा बिगड़ने वाला है रवि किशन के जाने के बाद, जो कि आपको कल के एपिसोड के अंदर देखने को मिल जाएगा। ये वीडियो कैसी लगी और रजत और विवियन में आप किसे सपोर्ट करेंगे प्लीज़ कमेंट के अंदर बताना, और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब कर लें।